हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुलधाम मेंबर्स के ऊपर पानी की समस्या आ चुकी है। और भी अगर आप सोच रहे हैं कि ये समस्या सिर्फ जेठालाल और अय्यर के ऊपर आने वाली है तो गाइस आप गलत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम गोकुलधाम सोसाइटी का हर एक मेंबर फेस करने वाला है। तो जैसे कि हमने रिसेंट एपिसोड में देखा कि यहाँ पर जब गोकुलधाम मेंबर्स ने चेक किया टेरिस पर जाके टंकी को, तो टंकी में पानी नहीं है, जिसके बाद के सभी लोग इस बात का ब्लेम आत्माराम भिड़े के ऊपर लगाने लगे कि आखिरकार आत्माराम भिड़े कहाँ चला गया, क्योंकि गोकुलधाम मेंबर्स ने अब्दुल और आत्माराम भिड़े दोनों को ही कॉल किया, दोनों की कॉल नहीं लग रहे हैं और आत्माराम भिड़े अपने घर पर और अब्दुल अपनी दुकान पर भी नहीं है। तो चलिए बताते हैं कि आखिरकार आत्माराम भिड़े और अब्दुल कहाँ पर हैं। तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि इस समय आत्माराम भिड़े या तो अपने किसी पर्सनल काम से गया हुआ है और अब्दुल भी अपने किसी पर्सनल काम से ही गया होगा। अभी दूसरी ओर मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर आत्माराम भिड़े और अब्दुल को पानी की समस्या के बारे में पहले से ही पता हो और गोकुलधाम मेंबर्स के कहने से पहले पहले ही आत्माराम भिड़े इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कहीं बाहर गया हो, ताकि टाइम से पहले ही आत्माराम भिड़े इस समस्या को सॉल्व कर दे, ताकि गोकुलधाम मेंबर्स को उससे कहना ना पड़े। तो अभी यहाँ पे मुझे तो ये लगता है कि इस समय आत्माराम भिड़े और अब्दुल सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। और इस बारे में आपकी क्या राय है आप अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।